नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू और आप देख रहे हैं एटीएस न्यूज 11। आज डेहरी प्रखंड के दरिहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सब हर जगह हर विद्यालय में एक सुंदर प्रभात फेरी निकाला गया। प्रभात फेरी का उद्देश्य तमाम विद्यालय में अनामांकित बच्चों को ये बताया गया कि जो भी बच्चे नामांकित नहीं हैं उन्हें इस प्रभात फेरी के माध्यम से बताया गया कि जल्द नामांकन लें। आइए सुनते हैं दरिहट भागवत राजकीय मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार क्या कहते हैं। प्रमोद कुमार, बिहार सरकार के आदेशानुसार 8 मार्च 2021 से 20 मार्च 2021 तक नामांकन अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें जो हमारे पोषक क्षेत्र के बच्चे अभी तक अनामांकित रह गए हैं या जिनका छिजित जो कर गए हैं उनका नामांकन अभियान अभी चल रहा है, उनका नामांकन बच्चों का विद्यालय में कराना है ताकि एक भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं रहे। ये सरकार का और हम सभी विद्यालय प्रबंधन समिति के लोगों का ये दायित्व है और उसके अभियान में आज हम लोग लगे हैं। और आज प्रथम दिन है, आज अभियान एक रैली निकालनी थी गाँव के लोगों को जागरूक करने के लिए ताकि यदि उनके क्षेत्र में कोई भी बच्चा अनामांकित रह गया है तो उनको विद्यालय से जोड़ें। और इस कार्यक्रम में हमारे मध्याह्न भोजन के रसोइया, हमारी जीविका दीदियाँ, हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएँ, हमारे जनप्रतिनिधि सबका सहयोग लेना है और सबका सहयोग लेकर हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। महिला दिवस जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और उसके लिए भी बच्चों को जागरूक किया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के विकास, जिसमें कि हमारे बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिससे महिलाओं के अधिक से अधिक विकास हो सके, उस पर भी आज अभियान के बाद बच्चों का एक सभा भी होगा विद्यालय में जिसमें उनको जागरूक किया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार तिवारी, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय दरिहट बालक।